नमस्कार। बड़े ही धूमधाम से मनाया गया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। जी हाँ, बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद स्थित राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज बाली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में सहभागी सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रेश शास्त्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लोकप्रिय नेता होने के साथ हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान थे। इसके साथ ही संस्कृत साहित्य एवं शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान रखते थे। सादगी से भरा जीवन उनकी पहचान थी। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा को अपने जीवन में संकल्प के रूप में निभाया। निश्चय ही अटल अटल थे। इससे पूर्व की प्रवक्ता सुरेश कुमार किंकर जी अनिल प्रजापति ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित छात्र समूह ने भी श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। शिक्षक जनों के साथ ही संदीप कुमार, सूरज मौर्य, अवधेश कसौनन, प्रेम सागर, मुकेश कुमार आदि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं महाराजगंज जनपद के निचलौल से अक्षत कश्यप की रिपोर्ट और श्री गीता जी का विश्लेषण। मानी हुई व्याख्या श्री गीता जी की रही है। गीता के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं और सरलता इतनी कि मैंने गंगा जी के पत्थर पर बैठकर गंगा जी को प्रणाम करते हुए गीता जी को देखा। हिंदी साहित्य का, संस्कृत साहित्य का इतना बड़ा विद्वान जो लगभग चार बार सांसद रहे हो लखनऊ जैसे शहर के, और वह धन्य व्यक्ति गंगा तट पर रेत के बीच में बैठकर संस्कृत के विद्यार्थियों से बात करता हो, रेत में बैठकर के स्वामी राम सुखदास का प्रवचन सुनता हो और भारतीय संस्कृति के पहचान को बनाए रखने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करने वाले जननेता के रूप में भी अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान है। धोती कुर्ता पहन के जिसने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली हो और विदेश में भी भारतीयता के संबंध में जो भाषण प्रस्तुत करता हो, ऐसे जननेता अटल बिहारी वाजपेयी हैं। आज हालांकि शासन ने छुट्टी की है, लेकिन इस छुट्टी के अवसर पर भी अपने राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज बाली में हिंदी के प्रवक्ता श्री अनिल सर और अपने इंटर कॉलेज के इंग्लिश के प्राध्यापक और वरिष्ठ प्रवक्ता श्री सुरेश सर, संस्कृत के प्रवक्ता श्री दिनकर सर और आप प्रिय बच्चे इस नाते एकत्रित हुए हैं कि हम अपने लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री और हिंदी साहित्य के इस महत्वपूर्ण विद्वान को याद करें और उनकी जयंती मनाएं। हम सुरेश सर से आग्रह करेंगे कि आप पुष्पार्पण करते हुए माननीय वाजपेयी जी को जयंती के अवसर पर श्रद्धास्मारण करेंगे। Thank you.